It took Supreme Court 4 years, but what about the students who lost that precious time? किस्मत किया हर एक को असाबे अजल ने कि जो शख्स शी इज अ बेटर टीचर एंड मच मोर एक्सपीरियंस जो शख्स जिस चीज के काबिल नजर सोसाइटी फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स इज वन ऑफ द लीडिंग एंड इनोवेटिव एजुकेशन ग्रुप प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इट इज फॉर्मड बाय द डेडिकेटेड प्रोफेशनल अक्रॉस द ग्लोब Our director, Mr. D.J. Singh, which is having a degree in international career management expert. We are affiliated with a top-notch profile. In last 20 years, we have been awarded a lot of awards from the magazine. Okay, मेरा नाम डॉक्टर डी जे सिंह है. मैं क्रॉसनेट एजुकेशन एंड करियर चंडीगढ़ से हूँ. हम यहाँ पे जो कश्मीर के प्रिंसिपल्स टीचर्स ओनर्स आए हैं उनको इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में गाइडेंस और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आए हैं. सो स्टूडेंट्स जो कैसे फॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन ले सकते हैं कंट्रीज में लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में, वाइड कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कैसे वो दे कैन गो देयर, दे कैन स्टडी एंड देन सेटल देयर टू मेक मोर अवेयरनेस ऑन दैट. उसके लिए हम आज कश्मीर श्रीनगर में पहुंचे हैं. तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रॉसलैंड सब लोगों को नई गाइडेंस देने के लिए यहाँ है. हाँ जी, तो क्रॉसलैंड एजुकेशन गूगल कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.crosslands.in. आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. हमारी जम्मू में ब्रांच है और हम श्रीनगर में भी जल्दी अपनी ब्रांच खोलने जा रहे हैं. अदरवाइज़ आप हमारी सर्विसेज कैसे भी हमें कांटेक्ट करके मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं. फॉरेन स्टडीज़ में जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज़ में अगर बच्चा जाना चाहते हैं तो वहाँ हर तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं. MBBS है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, डिज़ाइन स्कूल्स हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स इन सब कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं. सो वी हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग देयर एप्लीकेशन, एडमिशन, उनका वीज़ा प्रोसेस. फिर उन फेस्टिवल में सारे प्रिंसिपल एक साथ हुए हैं जिसमें कि मिस्टर चंदोक सर ने ये फेस्टिवल रखा, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है विद्या ज्योति के साथ स्पॉन्सर्ड. ओके, विद्या ज्योति चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं. जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी टॉप परफॉर्म हुआ है. हमारे पास BCA से लेके BBA, मास्टर्स, BSc, रेडियोलॉजी, मेडिकल कोर्सेज, एविएशन, नर्सिंग और ब्यूटी के कोर्सेज हैं. और हम अभी कश्मीर में बच्चों को इस बारे में नोटिफाई करने आए हैं और इस सेमिनार के थ्रू हमारे को बहुत बड़ा ये चांस मिला है कि हम इनको बता सकें कि अगर वो आउट ऑफ कश्मीर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ से उनको फुल सपोर्ट मिले, फुल एजुकेशन का क्वालिटी मिले और वो आगे बढ़ के अपने आप को एक स्किलफुल पर्सन की तरह, प्रोफेशनल की तरह आगे जॉब्स पा सकें. इसका मकसद यही है कि हम पूरे सेमिनार से एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को कि अगर आगे बढ़ना है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत करने के साथ साथ एक राइट वे और राइट चॉइस होनी चाहिए. वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल पर जाके, विद्या ज्योति यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस में आएँ, हमसे हमें कॉल करें, हम उनको कॉल पर ही बताएंगे. वो वहाँ पे आके भी हमसे नोटिफाई कर सकते हैं. इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे पास जॉब कोच का भी प्रोसेस है जहाँ पे 12th पास लोग जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं और वो सोचते हैं वो स्किलफुल नहीं है अभी जॉब के लिए, हम उनकी स्किल बढ़ाते हैं और स्किल से वो आगे प्रोफेशनली बैंकिंग, रिटेल और मैनेजमेंट सेक्टर में लग सकते हैं. देखिए, जब हम विंग्स एंड नेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हम आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम चलाते रहते हैं. रिसेंटली आपने IIT सीरीज़ देखी होगी, हमारे जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया के चैनल्स, और इसके अलावा स्कूल्स के ऑडिटोरियम्स में भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज शो करते हैं स्टूडेंट्स को. रीज़न यही है कि हम बच्चों तक वो मैसेज दें, उनकी हम प्रॉपर गाइडेंस करें. बेसिकली यहाँ पर जो हमारा काम है वो बुक्स के रिलेटेड हैं, पब्लिकेशंस के रिलेटेड हैं. इस हवाले से हमारी जो इंट्रैक्शन है वो स्कूल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हैं और
इनडायरेक्टली हमारी स्टूडेंट्स के साथ भी जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पर होती रहती हैं। अब जब तक हम अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे और जो स्कूल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं उनकी इंटरेक्शन उन स्कूल्स के साथ नहीं कराएंगे जो नए नए इस फील्ड में आए हुए हैं, तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू उनकी लर्निंग हो जाती है और उसी का एग्जीक्यूशन हम इन अ बेटर वे कर सकते हैं कल को फील्ड में, ताकि हमारे बच्चों तक वो मैसेज चला जाए जो उनको अगले 10-15 सालों में उनको ज़रूरत है। तो यही मकसद है हमारे इस विंग्स एंड हाइट्स का कि जो एजुकेशनल एज एजुकेशनल कंसल्टेंट बना हुआ है और हम बच्चों की इस हिसाब से गाइडेंस करने की कोशिश। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हमारा सोपोर में भी इंशाल्लाह वरमा प्लान है, हमारा अनंतनाग में भी प्लान है और इन द 4th वीक ऑफ नवंबर वील हैव ए ह्यूज गैदरिंग इंशाल्लाह वरमा हेयर इन कश्मीर ओनली, जहाँ पर आप देखेंगे सारे स्कूल्स होंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि इससे ज़्यादा गैदरिंग हो उस टाइम, ताकि हम हर स्कूल तक जाए। और आजकल जो हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है स्कूल से वो काफ़ी अच्छा है। रीज़न ये कि वो भी बेसिकली उनको भी लर्निंग चाहिए, बिकॉज अगर हमारी लर्निंग बंद होगी तो इट मीन्स कि हमने जीना बंद कर दिया। तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है और सीखना चाहिए भी। आजकल जो एजुकेशनिस्ट जो आज यहाँ पर इस इवेंट में आए हुए हैं वो इसलिए इस इवेंट में आए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर वो लर्निंग का जो मादा है वो जिंदा है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव थॉट कि विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम्स इन ऑल द आई वुड से टाउन्स एंड ऑल द पेरिफेरीज ऑफ कश्मीर।